विद द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट द मोस्ट मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस विच इज व्हाट इज लॉ, डिफाइन लॉ, डिस्कस नेचर, काइंड्स एंड फंक्शन और पर्पज ऑफ लॉ, कि लॉ है क्या चीज़, इसका इसकी नेचर क्या है, इसकी किस्में कितनी हैं, इसका फंक्शन क्या है, हमारी सोसाइटी में इसका रोल क्या है। एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जामे किस्म का, यानी ऐसा क्वेश्चन है, यू कैन से दिस इज ऑल इनकम्पासिंग क्वेश्चंस रिलेटेड विद लॉ। लॉ से जो मुतलका सवाल आते हैं उन तमाम सवालों को जो है का इहाता करने वाला सवाल है। लॉ की डेफिनेशन मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने मुख्तलिफ तरह से की है, कोई इसे कोड कह रहा है, कोई जो है रूल ऑफ एक्शन कह रहा है, कोई जब्ते से इसे मुतशाबे करार दे रहा है, कोई कवायद का मजमूआ करार दे रहा है। लॉ बेसिकली कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, लॉ इज़ नॉट ए स्टैटिक थिंग, लॉ इज़ ए डायनामिक इन इट्स नेचर, मुतहरिक चीज़ है, विच कीप्स ऑन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, जो चेंज होता रहता है टाइम के लिहाज से, प्लेस के लिहाज से। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कवानीन थे, बाद में मॉडिफिकेशन होती गई। मसलन आप ट्रैफिक लॉज देख लें, पहले ट्रैफिक के लॉज और थे, बाद में जैसे ट्रैफिक की जो है रश बढ़ता गया तो सिग्नल्स के लिहाज से चेंज लानी पड़ी। बाकी दुनिया के मुख्तलिफ कवानीन हैं, मुकन्ना जो है कवानीन बनाती है, उनमें भी विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉडिफिकेशन लानी पड़ी। लॉ की जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं उनमें से एक अहम डेफिनेशन ऑस्टिन ने की है, वो एक मशहूर ज्यूरिस्ट है, उसके मुताबिक लॉ इज़ एग्रीगेट ऑफ रूल्स। लॉ क्या है? कवायद का एक मजमूआ है, एग्रीगेट कहते हैं मजमूए को, जो सेट बाई मैन एज पोलिटिकली सुपीरियर आर सवरन ओवर पोलिटिकली सब्जेक्ट। वो कहता है कवायद का ऐसा मजमूआ है जो वो लोग जो है सेट करते हैं, वज़ा करते हैं, जो पोलिटिकली बरतर होते हैं या ख़ुद मुख्तार होते हैं, किसके ऊपर? ओवर पोलिटिकली इन्फीरियर या सब्जेक्ट पीपल। तो कवायद के ऐसे मजमूए को अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन वी टर्म एज लॉ। दूसरी डेफिनेशन ब्लैकस्टोन की है, वो भी मशहूर जो है ज्यूरिस्ट है, उसके मुताबिक ए रूल ऑफ एक्शन अप्लाइड इनडिस्क्रिमिनेटली। रूल ऑफ एक्शन यानी कवायद का जो है ऐसा मजमूआ है या कवायद का जो है ऐसा एक्शन है जो इनडिस्क्रिमिनेटली अप्लाई होता है टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, इनडिस्क्रिमिनेटली बिला इम्तियाज। यानी वो कहते हैं ना कि ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, कानून के नज़दीक जो है कानून के मुताबिक सब बराबर हैं, कानून की आंखों में सब बराबर हैं, देर इज़ नो डिस्पैरिटी, देर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन इन लॉ रिगार्डिंग कास्ट, क्रीड, कलर, एज, सेक्स, जेंडर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। तो वो भी कहते हैं कि ये अप्लाई होता है इनडिस्क्रिमिनेटली टू ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। थर्ड है सलमन, सलमन मशहूर ज्यूरिस्ट है, वो कहते हैं कि लॉ इज नेम ऑफ दोज कोड्स विच लीड ह्यूमन एटीट्यूड। ये उन कवायद का मजमूआ है जो ह्यूमन एटीट्यूड को क्या करते हैं, लीड करते हैं, उसकी रहनुमाई करते हैं। तो बेसिकली कवायद का मजमूआ, जवाबित का मजमूआ, इसे हम लॉ कहते हैं। यानी सिंपली यूं कह लें, अगर इसको भी सलमन ने इस तरह से भी डिफाइन किया है कि लॉ जो है वो रूल्स होते हैं या वो कोड्स होते हैं विच आर अडॉप्टेड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट, जो स्टेट अख्तियार करती है और स्टेट उन्हें लागू करती है। किस लिए लागू करती है? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ताकि मुआशरे में इंसाफ का निज़ाम जो है उस्तवार हो। नेक्स्ट हम चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ लॉ। लॉ एंड ऑर्डर बोथ आर रिलेटेड, जहाँ पे लॉ होगा वहाँ पे ऑर्डर होगा। लॉ जो है इसकी एडवांटेजेस तो बहुत हैं,
जहाँ पे ला ना हो, ला की प्रिवेलिंग ना हो, ला रूल ऑफ ला ना हो, वहाँ पे क्या होता है, रूल ऑफ जंगल होता है, ला ऑफ जंगल होता है। तो कानून की जो हुक्मरानी, कानून की जो है का नफास, ये तो हर सिविलाइज सोसाइटी में शुरू दिन से जो है हर सोसाइटी का मतमाए नज़र रहा है। एडवांटेजेस देखें हम, इम्पार्शियलिटी, कानून क्या होता है, गैर जानबदार होता है। कानून में ये नहीं होता कि उसकी जेंडर ये है उसके लिए ये कानून होगा, इसकी जेंडर और है उसके लिए और कानून होगा, उसकी एज और है उसके लिए और कानून है, इसकी एज और है, उसकी कास्ट और है, उसका कलर और है, नहीं। कानून इम्पार्शल होता है, इम्पार्शल से मुराद गैर जानबदार। सेंस ऑफ पीस, कानून से सेंस ऑफ पीस मिलती है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। कानून हमें क्या देता है, अमन कानून की वजह से आता है, सिक्योरिटी तहफ्फुज भी कानून की वजह से आता है। अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो सोसाइटी में क्या होगी, सिक्योरिटी होगी, सोसाइटी में तहफ्फुज आएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, ऑर्डर इन सोसाइटी, सोसाइटी में जो नज़म व ज़ब्त होता है, डिसिप्लिन होता है, सोसाइटी में जो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स है, ये सारे लॉ की वजह से होते हैं। इसके अलावा ये तो बहुत ही वास्ट जो है एक अलहदा टॉपिक बन जाएगा अगर हम एडवांटेजेस ऑफ लॉ को पढ़ें, कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को जो है हम जमा कर सकते हैं कि कानून की एडवांटेजेस न्यूमरेबल हैं, बेशुमार हैं, अनकाउंटेबल कह लें, उन्हें काउंट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन हम अगर सिर्फ इसी को फोकस करें तो वो एक अलहदा सवाल बन सकता है एडवांटेजेस ऑफ लॉ को। सिंपली आपने यही मद्देनज़र रखना है कि ये कानून जो इम्पार्शल होता है, इससे पीस आता है, इससे सिक्योरिटी आती है, इससे प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स होता है, इससे सेंस ऑफ पीस आता है और ऑर्डर इन सोसाइटी आती है। गुड गवर्नेंस के लिए जो है लॉ का होना ज़रूरी है, सिविलाइजेशन के लिए जो है लॉ का होना ज़रूरी है। नो सिविलाइजेशन कैन सस्टेन विदाउट रूल ऑफ लॉ, नो सोसाइटी कैन गो टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी विदाउट रूल ऑफ लॉ। तो ये रूल ऑफ लॉ या लॉ जो है ये इंटेग्रल पार्ट है, ये ज़रूरी जो है इंग्रेडिएंट है या प्री रिक्वेस्ट है फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ सोसाइटी, फॉर पीस इन सोसाइटी, फॉर ऑर्डर इन सोसाइटी। नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लॉ। काइंड्स ऑफ लॉ में, क्योंकि आजकल जो है जदीद दौर है, दिस इज़ एन एज ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो स्पेशलाइजेशन ऐसी है कि अब जो डिसिप्लिन है, नॉलेज है, उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन है, इल्म को मुख्तलिफ शाखों में डिवाइड किया गया है, डिवीजंस हैं, सब डिवीजंस हैं, फिर ब्रांचेस हैं, उनकी सब ब्रांचेस हैं, मज़ीद जो है डिवीजन है, बाइफरकेशन है। अगर हम देखें लॉ को तो काफ़ी सारी इसकी जो है काइंड्स बनती हैं, लेकिन हम जो है मेन मेन काइंड्स को वो फोकस कर लेते हैं। सबसे पहले इम्पेरेटिव लॉ, इम्पेरेटिव लॉ वो कानून होता है, इम्पेरेटिव कहते हैं हुक्मिया, यानी ऐसा कानून जिसके लिए सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी के पर्संस बाउंड होते हैं टू ओबे, कि उन्होंने इसे हर हाल में इस कानून की कमांडमेंट्स को, इसके ऑर्डर्स को ओबे करना है, इस वजह से हम इम्पेरेटिव लॉ कहते हैं। इफ़ समवन लिविंग इन दैट सोसाइटी वेयर दिस लॉ इज़ इन फोर्स और अप्लाइड वायलेट्स द लॉ, देन ड्यू टू वायलेशन पनिशमेंट विल बी इनकॉर्ड अपॉन दैट पर्सन। जो शख्स कानून की वायलेशन करेगा उसके ऊपर क्या होगी, सज़ा नाफिज की जाएगी, सज़ा लागू की जाएगी, कानून की खिलाफ वर्दी पर सज़ा की, फिर मुख्तलिफ किस्म में फ़ाइन भी लग सकता है, कन्फाइनमेंट भी हो सकती है, कोई और जो है कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। कन्वेंशनल लॉ दूसरी किस्म, कन्वेंशनल लॉ कहते हैं कन्वेंशन से जो है बनने वाला कानून, मुख्तलिफ अफराद के दरमियान, सोसाइटीज़ के दरमियान, मुल्कों के दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान, इंस्टीट्यूट्स के दरमियान कन्वेंशन हुए, और कन्वेंशन की बेस के ऊपर जो है जो रूल्स वो सॉर्ट आउट किए गए, रूल्स कॉइन किए गए, ड्राफ्ट किए गए, वो उन रूल्स का मजमूआ जो है कन्वेंशनल लॉ कहलाता है। तो कन्वेंशनल लॉ भी अहम किस्म है। प्रैक्टिकल और टेक्निकल लॉस, हर शोबा, अब तो प्रैक्टिकल दौर है, स्मार्ट एज है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्निकल लॉस, हर शोबे के हवाले से टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं,
जहाँ पे टेक्निकलिटीज़ आती हैं तो उनको डील करने के लिए टेक्निकल लॉज हैं, मसलन इमिग्रेशन के कवानीन्स हैं, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लॉज हैं, और इस तरह से एक्साइज के लॉज हैं, तो वो टेक्निकल चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें, वहाँ वो जो लॉ उसे डील कर रहा है टेक्निकल लॉ है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ पॉजिटिव मॉरेलिटी, ऐसा कानून जो मुसबत जो है अखलाकियात के ऊपर जो है इन्हिसार करता है। वो पढ़ा था हमने कि लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील हैं यूके के, वो कहते हैं विदाउट रिलीजन देयर इज़ नो मॉरेलिटी एंड विदाउट मॉरेलिटी देयर इज़ नो लॉ। तो लॉज ऑफ पॉजिटिव मॉरेलिटी ये सोसाइटी के अंदर एथिक्स को जो है मेंटेन रखता है, सोसाइटी के अंदर अखलाकियात को, ये रिलीजन से जो है अपनी तशरीह लेता है। सिविल लॉज, सिविल लॉज एक बड़ी जो है ब्रांच है कानून की, बड़ा शोबा है कानून का, जिसमें प्रॉपर्टी के तमाम मैटर आ जाते हैं और उनसे रिलेटेड जो है जितनी भी फिर वो शोबे हैं वो उसमें आ जाते हैं। तो सिविल लॉ जो है ये भी एक अहम काइंड है। कस्टमरी लॉ, कस्टम्स शुरू दिन से जब से सोसाइटी का आगाज़ हुआ है या तहजीब जो है इमर्ज हुई है, सिविलाइजेशन शुरू हुई है, कस्टम्स जो है दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ कौमों में कानून की डेवलपमेंट में, कानून की इवोल्यूशन में, कानून की मॉडिफिकेशन में, कानून को जो है फ्रेम करने में, कानून को ड्राफ्ट करने में इनका अहम रोल रहा है। तो वो लॉ जो कस्टम्स के ऊपर बेस करता है उसे कस्टमरी लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ, यानी इसे डिवाइन लॉ भी कहते हैं, कि लॉ ऑफ नेचर या फितरत का कानून, ये भी कानून का एक शोबा है कि कानून में जो है नेचर के जो कवानीन हैं अगर उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाए तो और नतायज होंगे, उनको वायलेट किया जाए उसके और नतायज होंगे। नेचुरल लॉस ये नेचुरल जस्टिस की तरफ लेके जाते हैं कि नेचुरल जस्टिस क्या है, जिसका जो ड्यू राइट बनता है वो उसको हासिल हो जाए। इंटरनेशनल लॉ, बैन अलाक़वामी कानून, अब जदीद दौर है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान तिजारत हो रही है, ट्रांजेक्शनें हो रही हैं, वो इमिग्रेशन हो रहे हैं, एमिग्रेशन हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, वहाँ पे शहरियत सिटीजनशिप ले रहे हैं, और रियासतें एक दूसरे से माहदे कर रही हैं, या कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं अमन हो रहा है, कहीं पे डेवलपमेंट हो रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है मुख्तलिफ ममालिक। तो जो इंटरनेशनल लॉ है वो इंटरनेशनल जो इशूज़ हैं उनसे डील करता है। इंटरनेशनल लॉ एक वास्ट सब्जेक्ट है, इससे जो एक्सट्रेडिशन होती है, इससे पॉलिटिकल असैलम भी लेते हैं, इससे रियासतें एक दूसरे से माहदे भी करती हैं, और इससे जो माहदे हुए हैं दुनिया भर में वेल एक्नॉलेज्ड हैं उनको फॉलो किया जाता है, जैसे जनेवा कन्वेंशन है, और इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये लॉ जो नेशनल से मावरा होकर बियॉन्ड जाकर मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ दुनिया की उनके जो मामलात को डील करता है उसे हम इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि सालमन जो जूरिस्ट है उसने लॉ की क्लासिफिकेशन की है, तो क्लासिफिकेशन में उसने दो बड़ी किस्में बताई हैं लॉ की, एक जनरल लॉ है, दूसरा स्पेशल लॉ है। जनरल लॉ आम कानून जो अपनी जर्नलिटी के लिहाज से, जर्नल होने की वजह से, आम होने की वजह से जो है एक पिकुलर खसूसियत रखता है। इक्विटी, कॉमन लॉ, स्टैचू, ये इसकी जो है सब डिवीजंस हैं, इससे जो रिलेटेड जो है डिसिप्लिन कह लें, डोमेन्स कह लें। इक्विटी इसको निस्बत कहते हैं, ये क्या है, ये कॉमन लॉ से कोई आर्बिट्री वो कंट्रेरी चीज़ नहीं है। कॉमन लॉ में वेयर देयर आर डिफेक्ट्स इन कॉमन लॉ, इक्विटी फुलफिल्स दोज डिफेक्ट्स। वेयर देयर इज़ रिगर, सख्ती है, इक्विटी सॉफ्टन दैट रिगर्स। वेयर देयर इज़ ए वैक्यूम, जहाँ पे कोई खला है, और देयर इज़ ए फला, इक्विटी फुलफिल दैट वैक्यूम, इक्विटी रेक्टिफाई दैट फला। तो ये कोई कंट्रेरी चीज़ नहीं है कॉमन लॉ से इक्विटी, बल्कि ये कॉमन लॉ को फुलफिल करती है, एज ए सप्लीमेंट काम करती है। कॉमन लॉ जो कॉमन
प्रिवेलिंग लॉ होता है उसे कॉमन लॉ कहा जाता है। स्टैचू स्टैचूटरी लॉ जो लेजिस्लेशन से बनता है, स्टैचूज हैं और स्टैचूटरी लॉ है, ये जो है लॉ की जर्नल जो है वो किस्म है। आगे स्पेशल लॉ है, इसकी भी काफ़ी सारी किस्में हैं, मार्शल लॉ है, प्राइज लॉ है, लोकल लॉ है, कन्वेंशनल लॉ है, ऑटोनोमस लॉ है। मार्शल लॉ जो है फील्ड मार्शल इम्पोज कर देते हैं, आर्मी के जो है सरबराह जो है डिक्टेटर्स और जो पावरफुल होते हैं वो लोग जो है मार्शल लॉ को इन्फोर्स कर देते हैं, लागू कर देते हैं, इम्पोज कर देते हैं। ऐसे प्राइज लॉ हैं, प्राइस देने के लिहाज से लोकल लॉ होते हैं, हर काउंटी के हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के हैं, हर म्यूनसिपल कमेटी के हैं, हर कॉरपोरेशन के हैं। कन्वेंशनल लॉ हैं, रिवायती जो है वो कस्टम्स के ऊपर बेस करते हैं या कन्वेंशंस के ऊपर बेस करते हैं, ये जो स्पेशल लॉ की किस्में हैं। ये सालमंड के मुताबिक है, और भी किस्में हैं लेकिन हमने इनको शॉर्ट कर दिया है, सम अप कर दिया है। आगे इस तरह से भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंशियल एंड प्रोसीजरल लॉ। जो लॉ को हम पढ़ रहे हैं तो सब्सटेंशियल लॉ क्या है, ये बुनियादी कानून है, बेसिक जो है लॉ है विच डिफाइंस राइट्स, जो राइट्स और ड्यूटीज़ को ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करता है, या विच डिटरमिन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ ए पर्सन, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ ए सोसाइटी। और जो प्रोसीजरल लॉ है, प्रोसीजरल लॉ क्या है, वो प्रोसीजर देता है, तरीक़ाकार बताता है, मोड बताता है कि ये जो है जो एंड्स हैं इनको सिक्योर करने के लिए मोड कौन सा होगा। तो प्रोसीजरल लॉ एज ए टूल यूज़ होता है आलाकार के तौर पर, किसके कि वो जो सब्सटेंशियल जो है लॉ है उसके, कि सब्सटेंशियल में राइट्स हैं ऑब्लिगेशंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनको अकम्पलिश करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, जो लॉ इसे डील करता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसीजरल लॉ। तो ये एक जो है सिनॉप्सिस था, एक स्केच था कानून क्या है शॉर्ट करके, क्योंकि इसकी डेप्थ में जाएं तो ये बहुत ही जो है वसी सब्जेक्ट हो जाएगा और आप शायद समझेंगे कि बहुत ही जो इसको बढ़ा दिया गया है। हम मुख्तर वक्त की वजह से इसको सम अप कर रहे हैं, तो कंक्लूड करते हैं कि लॉ क्या है, ये जो है एग्रीगेट है कोड्स का, रूल्स का, जो एक स्टेट जो है अडॉप्ट करती है, अप्लाई करती है फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंसाफ के निज़ाम के लिए। तो ये जो लॉ है ये डायनामिक चीज़ है और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज होता रहता है, ये स्टैटिक नहीं रहता। इसकी जो है डेफिनेशन में मुख्तलिफ हैं, एडवांटेजेस हैं, कॉइंट्स हमने जो है डिस्कस की, और सालमंड की क्लासिफिकेशन, आगे सब्सटेंशियल और प्रोसीजरल लॉ बताया। तो ये जो है अहम सवाल है, इसको अच्छी तरह से आपने फोकस करना है, इससे आपको लॉ का बेसिक थीम मालूम होगा। कहीं से भी इसको पढ़ें, कोई भी बुक ले लें, अच्छे अंदाज में इस सवाल को देखें ताकि आपको लॉ का बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि लॉ है क्या। आप LLB करने जा रहे हैं, जो ला नोइंग बनने जा रहे हैं, कानून दान बनने जा रहे हैं, तो इससे आपको लॉ के बारे में बेसिक कंसेप्ट मिलेगा। इम्तिहानी नुक्ता निगाह से भी अहम सवाल है, नॉलेज के लिहाज से भी अहम सवाल है, तो इसे खसूसी फोकस करना है।